स्वास्थ्य विभाग आगरा द्वारा ऐसे अस्पतालों पर कार्यवाही की जा रही है जो मानकों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक 36 अस्पताल एवं पैथोलॉजी को नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा चुकी है। पूर्ण या एक्सपायर्ड बायोमेडिकल वेस्ट के सर्टिफिकेट हैं जैसे, और इसके अतिरिक्त कई चिकित्सालयों में एक पर्सन इंचार्ज के नाम है, ऐसे लोगों को क्वेरी की गई है और वो उनके द्वारा एफिडेविट जमा करने के लिए और रिन्यूड जो बायोमेडिकल वेस्ट का लगाने के लिए कहा गया है, और जिन चिकित्सालयों द्वारा ये दिया जा रहा है उनका हम लोग तत्काल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो रहा है। कुछ चिकित्सालयों द्वारा ये देखा गया है कि वो डिग्री तो यूज़ कर रहे हैं परंतु वहाँ पे उपलब्धता नहीं रहती है, ऐसे जो पूर्व में जिनकी शिकायत आई हुई है उनको हम लोग फिजिकली वेरीफाई करने के बाद उनका कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई इलाज के लिए जाने पर कोई दिक्कत ना हो। साथ में पूर्व में कार्रवाई की गई कुछ चिकित्सालयों द्वारा पुनः आवेदन किया गया है किसी और नाम से या सेम नाम से, उनको भी हम लोग ये देख रहे हैं कि उनके द्वारा कोई भी नियम के विरुद्ध जाकर अस्पताल न चलाया जाए। साथ में हमारी तीन टीमें फिजिकल वेरिफिकेशन उन अस्पतालों को कर रही हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या कोई सूचना प्राप्त हो रही है। प्रयास यही है कि जो मानक स्वास्थ्य विभाग को देखने हैं, लगभग इस समय हमारे पास आज की डेट में 36 हैं ऐसे जिनमें अपूर्ण होने के कारण उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। और कोई कारण नहीं, सिर्फ उनसे एफिडेविट मांगा गया है कि उनकी उपलब्धता चिकित्सकों की सुनिश्चित कराने के लिए उनसे ये मांगा गया है कि वो लोग दे दें। इसके अतिरिक्त कुछ कोर्ट केसेस हैं उनके भी रोके गए हैं और उनका वेट किया जा रहा है कि जैसा भी कोर्ट का निर्देश होगा उसके आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी।